हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम देखने वाले हैं क्लास टेंथ का ब्रिज कोर्ट यानी सेतु अभ्यासक्रम का साइंस वन की टेस्ट वन तो चलिए इसके आंसर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस तो फर्स्ट इज व्हाट इज साउंड द आंसर इज साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स सेकेंड वॉट इज द मोमेंटम राइट द यूनिट ऑफ इट इन एस आई एंड सी जी एस यूनिट्स आंसर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इन ब्रैकेट पी इज इक्वल टू एम वी ये उसका फॉर्मूला है दोस्तों मोमेंटम इज द वेक्टर क्वांटिटी इन एस सिस्टम द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ के जी मीटर पर सेकेंड वाइल इन सीजेस सिस्टम इट इज ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट आर द एलिमेंट्स इन द न्यूक्लियस आंसर न्यूक्लियस कंटेंट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फोर्थ write the names of each of acidic and basic substances used in daily life the acids used in daily life are citric acid acetic acid carbonic acid sulfuric acid etc Bases used in daily life sodium bicarbonate calcium oxychloride question number 5 complete the chemical reaction cacl2 plus na2so4 gives caso4 plus 2 nacl दोस्तों आपको ये लिखना हो तो आप इसका स्क्रीन ले सकते हैं और मैं आपको डिक्टेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको कोई स्पेलिंग या फिर वर्ड नहीं समझा तो आप समझ जाए तो चलिए अब आगे का देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल इंडिकेटर राइट टू नेम्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर और इसका आंसर है द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ मेड बाय मिक्सिंग सेवरल सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन स्पेसिफ़िक प्रोपोर्शंस यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी एच और द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स आर टर्मरिक एंड बीटरूट अब क्वेश्चन नंबर टू पर आते दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी फाइव क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फाइव क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो फर्स्ट मैंने सॉल्व किया है बी इसमें आपको एक पहली टाइप दी गई है इसका आंसर आपको लिखना है तो क्वेश्चन है माई कलर इज़ ब्ल्यू आई हैव पार्ट ऑफ वॉटर इन माई बॉडी वाइट पाउडर इज़ फॉर्म वेन हीट इज गिवन टू मी सो वो आई एम राइट मॉलिकुलर फार्मूला तो इसका आंसर है क्रिस्टलिन ब्ल्यू विड्रॉल इसका फार्मूला है सी ई एस ओ फोर डॉट फाइव एच टू ओ अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें एक टेबल दिया गया है उसे हमें कंप्लीट करना है दोस्तों तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में लिखा गया है राइट साइंटिफिक रीज़न द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज़ वन तो इसका हमें रीज़न बताना है कि इसकी वैलेंसी वन क्यों है तो इसका आंसर है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम कैन बी रिटर्न एज टू कॉमा एट कामा वन विस्टॉप टू कामा एट कॉमा वन इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल्स के एल एम रिस्पेक्टिवली देर फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज़ वन एंड इट नीड्स टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू अटेन ऑक्टेट हैंस द वैलेंस ऑफ सोडियम इज़ वन तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई में ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो यहाँ पे आपको एक फिगर दी गई है आपको इसे लेबल करना है दोस्तों तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख सकते हैं आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर जी जो है राइट द कंपाउंड नेम ऑफ के ओ एच एंड फाइंड द मॉलिकुलर मास एटोमिक मास के थर्टी नाइन ओ सिक्सटीन एच वन द आंसर इज द compound नेम ऑफ KOH is potassium इज़ The हाइड्रोक्साइड द of मास ऑफ के ओ इज़ फिफ्टी तो दोस्तों आज यहां पे हमारी ये टेस्ट ख़त्म होती है साइंस वन की तो आगे के भी टेस्ट मैं आपको भेजते रहूँगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले